वेलकम टू 10 का दम, जहां जीत सकते हैं आप एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ नहीं, बल्कि 10 करोड़ रुपए। ये प्रतिभा, प्रतिमा या प्रतिशोध का नहीं है, परिषद का खेल है। ए भाई, नाराज तो नहीं होंगे ना? नहीं नहीं, इसे मारेंगे। नहीं नहीं, आई वाज जस्ट हैविंग फन। क्या मारेंगे? आई वाज हैविंग फन। बड़े 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 आंखें हैं इसकी, बातें हैं इसकी, चेहरा है इसका। वेलकम। नमस्कार। 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 अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीबॉडी। मैं हूं अमिताभ जी का छोटा भाई अमिताभ रक्षण और आप लोग देख रहे हैं 10 में 10 कम। नहीं, 10 में 10 कम नहीं, 10 का दम। आप लोग देख रहे हैं ज्यादा खुशी नो गम। नहीं, वो तो फिल्म होगी, हम लोग 10 का दम की बात करें। आप लोग देख रहे हैं 10 का दम। दम नहीं, नहीं वो डर, वो डम डम डिगा वाला दम नहीं, वो दम मारो दम वाला दम। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं जिसकी तारीफ में आप कुछ कहेंगे। हाँ, जिसकी तारीफ जितनी कम की जाए उतनी ही ज्यादा है। तारीफ जितनी ज्यादा की जाए उतनी है कम, क्योंकि यह है 10 का दम। सब लोग मिलके डेविड वाला 10 का दम। आप लोग दोनों साथ खेल रहे हैं, पिछले टाइम से है ना हम लोग। पिछले टाइम में तो इसने आपको बिठा दिया था, अभी साथ में ले लिया। रितेश, वेलकम बड़ी यार। थैंक यू सो मच, इट्स सो नाइस टू सी यू हियर। प्लेजर। तो वेलकम टू 10 का दम, जहां आज हम आपसे स्ट्रिक्टली कहेंगे डू नॉट डिस्टर्ब, क्योंकि आज DKD यानी के 10 का दम में आए हैं DKD वाले। ये पिक्चर का टाइटल है बॉस। ये स्पेलिंग गड़बड़ है आपकी, स्पेलिंग गड़बड़ है। क्यों, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट के पास गए थे आप? क्ययों टाइटल अपना ऐसा कहे, डू नॉट क्यों है, KNOT डू नॉट क्यों, इनके लफड़े हैं पिक्चर में ये कहेंगे। मुझे तो आज पता चला कि फिल्म का टाइटल ये यार डेविड के ऊपर है टाइटल। पार्टनर के बाद तूने इसको ले लिया, इसको ले लिया, सोहेल को ले लिया जो कि पार्टनर का प्रोड्यूसर था, तू मेरे को आउट कर दिया क्यों? 10 का दम दिलाया ना तेरे को। लेकिन क्या है, क्या तेरा कोई प्रॉब्लम है मेरे साथ? अभी लड़ना नहीं यहाँ पे यार, तू तगड़ा है और गुस्सा भी तेरे में बहुत है, पर थप्पड़ वाले गुस्सा मेरे में, गुस्से में तो ये मैं गुस्सा गुस्सा में हर फिल्म में प्यार करता हूँ, इसकी फिल्म में कई बार करता हूँ। तीन चार से करता हूँ। लेकिन ये क्या था, आपने एक जोर से खींच के चमाटा मारा, कुछ गलत दम दिखा रहा था तो आपने 10 का दम दे दिया उसका। वो गलत दम। हाँ, हुआ क्या था आपने? हाँ, क्योंकि वो मैं लंदन में था और मैं टीवी ऑन किया तो मैं जैसे और करके कुछ कुर्सी पे पाव मारने की कोशिश कर रहा था, लड़कियों से बदतमीजी कर रहा था, लड़कियों से वो किए ही जा रहा था। उसको मैंने बुलाया, उसको पूछा कि भाई साहब क्या प्रॉब्लम, क्या है आपको, तकलीफ क्या है?
आप किसके साथ हैं? बोला किसी के साथ नहीं हूँ। बोला आपको प्रॉब्लम क्या है? ना क्या है? बोला आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो बोला तो लो। डेविड शुरू करें? हाँ करते हैं भैया। पहले तू यहाँ पे, मुझे पता है कि तू डू नॉट डिस्टर्ब की पब्लिसिटी के लिए आया। तू यहाँ पे क्या बोल रहा है? डू नॉट डिस्टर्ब की पब्लिसिटी के लिए तू आया है? तूने मुझे बताया नहीं हम लोग डू नॉट डिस्टर्ब के लिए आए? रितेश आपने तो बताया नहीं था कि पिक्चर का नाम डू नॉट डिस्टर्ब। ये गोविंदा तूने सब किया। बना कह रहा तू इस बार? ये पूछ रहा है कि बना कह रहा है? इसको खुद को ही पता है क्या बना रहे हैं? बनते बनते बन रही पिक्चर। बनते बनते नहीं 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 इतनी इस बार ये कभी पता नहीं था, ऐसी हो गई हिट। वो जो पार्टनर वाली भी मगर ये जो है ना उसमें एक दो तीन चार क्या आगे क्या हीरो ने कहा है पिक्चर में तेरे साथ? कब? अरे दोनों मिस यूनिवर्स हैं इनके साथ। हाँ अच्छा फिर मेरे साथ कौन है फिर? सोहेल है तेरे साथ। सोहेल है सर। आई एम हैप्पी अबाउट दैट। तो लारा दत्ता और सुष्मिता सेन दोनों आपको लगता है ऐसा कुछ ये होने देंगे? इनका तो पता नहीं है। नहीं मुझे, खड़ी है। मुझे मुझे आपका पता है और उन दोनों का भी पता है कि नहीं होने देंगे। अच्छा वेलकम टू दस का दम। आप लोग मेरे साथ खेलेंगे क्लोरमिंट नॉकआउट राउंड। मैं आपको इसके रूल्स समझाता हूँ और गौर से सुनिएगा, दोबारा मत पूछिएगा। आपसे पूछे जाएंगे पांच सवाल और उनके जवाब हमारे इस LG LCD TV में फीड हुए हैं। आपको इन्हें नॉकआउट करना है और आपको इन्हें। तो जिसने भी पहले तीन प्रश्नों का सही उत्तर दिया वो खेलेंगे मेरे साथ 10 करोड़ रुपयों के लिए 10 का दम। आप लोगों का पहला प्रश्न, प्रश्न यह है कि कितने प्रतिशत भारतीय पुरुषों ने कहा कि वो अपने थूक से अपने बाल सेट करते हैं? और जिनके बाल ना हो तो वो थूक सेट करते हैं। सर के बालों का पता नहीं लेकिन ये अपने नाक के बाल को सेट करते हैं थूक लगा अंदर। ये तू थूक तेरे की, तू तेरे की, अबे तू तेरे की। थूक क्या क्या काम आता है यार? बिल्कुल आई थिंक सांस ले तो ठंडी सांसें भी आती होंगे इसे। ये तो ये जब कह रहा होता है कुछ तो भी थूक उड़ती है इसकी। तू तो ये अपने थूक से दूसरों के बाल भी सेट करते हैं। बड़ा मजा आ रहा है तेरे को। ये एडिटर भी है जी, ये थूक लगा के काम भी करते हैं। ये देखो ना थूक से बाल सेट किए हुए सारे। आप ने कभी अपने बालों को थूक से सेट किया है? बड़ा ही बहुत ही वाहियात किस्म की। हर जगह थूक का काम आता है। हाँ वैसे तारीफ में ही थू 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 करता है। थू 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 और वो बोलता हट, वो भी आता है फॉर डिस्गस्ट। और फिर ऐसा नहीं किया लेकिन नजर उतारने के लिए नजर उतार के किसिंग में। हाँ वो सही जगह। डेविड को ज्यादा पता है। मुझे लगता है कि काफी सारे लोग थूक से बाल सेट करते हैं। थूक से बाल सेट करते हैं। अच्छे लग रहे तेरे बाल आज। हाँ नहा कर मेरा गला काफी सूखा हुआ है आज। कुछ लोग डेविड तू ही जवाब दे इसके, तू अच्छा जवाब दे। बाल भी सेट करते हो? जवाब दे नकोड़े। जी हाँ 10 सेकंड है आप लोगों के पास। शुरू होते हैं अब। ओए अरे हो गया अरे तू बैठे था तेरे को जवाब देना था। नहीं तू इधर खड़ा था तेरे को करना था। आपने लगाया 62% ये लगाना चाहते शायद और लेकिन लेट हो गए। आए देखते हैं कौन जीतते हैं, रितेश या गोविंद और डेविड।